आका फरमाते हैं जो इस महीने में किसी का रोजा इफ्तार कराए अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। इसी पे बस नहीं फरमाया और उसकी गर्दन आग से आजाद कर दी जाती है और उसको भी उसी कदर सवाब मिलता है, उसको भी रोजा रखने वाले के बराबर सवाब मिलता है और उस रोजेदार के रोजे में कोई कमी नहीं होती सवाब में। कुछ लोग इस नियत से भी किसी की दावत में रोजा इफ्तार करने नहीं जाते कि लोग सोचते हैं यार अगर हम रोजा इफ्तार कर लेंगे उसका खाकर तो उसको सारा सवाब मिल जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, आप भी इफ्तारी करोगे तो उसको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा और आपके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। अब यहां पर एक मुफक्किर की बड़ी प्यारी बात याद आती, फरमाया कि अगर एक बंदा चाहे तो एक एक दिन में 50-50 रोजे रख सकता है। कितने रोजे? 50-50, 100-100, 500-500 रोजे रख सकता है। हैरत है, बंदा तो एक ही रोजा रख सकता है, एक दिन में 50 कैसे रखेगा? तरीका ये है, एक तुम रखोगे 50 को इफ्तार करा दो तो तुम्हारे नामे अमाल में 50 रमजान शरीफ के रोजों का सवाब लिख दिया जाए। कराओ इफ्तार, अल्लाह ने दिया है तो खूब कराओ। क्या बड़ी नेमत है, क्या महीना आ रहा है, सुभान अल्लाह, जन्नती बनाने के लिए आ रहा है। हम तो माइल का करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। सवाब में कमी नहीं होती रोजादार के, सवाब के बराबर मिलता, फिर सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग बहस करते हैं, मैं उन बहस करने वालों से हाथ जोड़ता हूँ, मेरा पीछा छोड़ो। लोग कहते हैं नफिल सिर्फ वो छोटे छोटे गुनाह माफ होते हैं। कौन से छोटे छोटे माफ होते हैं, बड़े माफ नहीं करता अल्लाह। मैं कहता हूँ खुदा के लिए आप अपनी तहकीक अपने पास रखें। हुजूर ने कह दिया ना गुनाह माफ होते हैं, हमारा ईमान है सब माफ होते हैं। हुजूर ने कैद नहीं लगाई, अब कोई कैद न लगाए, मेरे आका ने कह दिया हमारा ईमान है। और फिर हुजूर के कहने पे जो जैसा यकीन रखेगा उसको फैजान भी वैसा ही मिलेगा। बाज़ मुहक्किकीन ने कहा है ना कि जब कोई कब्र में जाता है, जब कोई मोमिन कब्र में जाता है तो उसको हुजूर की तस्वीर दिखाई जाती है। बाज़ लोगों ने कहा कि हुजूर की कब्र से और उसकी कब्र के दरमियान से पर्दे उठा दिए जाते हैं और वो वहां से दिखाया जाता है, उसकी कब्र से हुजूर की कब्र तक पर्दे उठाकर उसको वहां से दिखा दिया जाता है। तो किसी मुफक्किर ने कहा फिर वो सात समुंदर कहां चले गए, वो सहरा कहां चले गए। इस तरह इस पे बहुत ले दे और बहस की लोगों ने। हम तो इश्क के बंदे हैं ना, मेरे इमाम ने कहा हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात पढ़ाई है। कोई कहता है तस्वीर दिखाई जाती है, कोई कहते हैं पर्दे उठाए जाते हैं, कोई कहता है कि हुजूर खुद तशरीफ लाते हैं। अब इस पे फकीर का कहना ये है कि जो मौकिफ रखेगा, जैसा जो जैसा अकीदा रखेगा, जो रखेगा कि तस्वीर दिखाई जाती है उसको तस्वीर ही दिखाई जाएगी, जो कहेगा पर्दे उठाए जाते हैं उसको पर्दे उठाए जाएंगे, और जो अकीदा रखेगा कि हुजूर तशरीफ लाते हैं तो हुजूर तशरीफ लाए, उनके करम से जैसी उम्मीद होगी फैजान वैसा ही मिलेगा। और ये मौकिफ मेरे इमाम इमाम अहले सुन्नत का है कि कब्र में नहराएंगे चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब, जलवा फरमा होगी जब, जलवा फरमा होगी जब, जलवा फरमा होगी जब, पर्दे उठेंगे जब नहीं, तस्वीर दिखेगी जब नहीं, जलवा फरमा होगी जब, तलात रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा आने ही को तो कहते हैं। कौन कहता है मेरी कब्र अंधेरी होगी, जब वो आएंगे उजाला ही उजाला होगा। जब वो आएंगे तो हुजूर के फरमान पे जो जैसा यकीन रखे फैज वैसा ही पाता है। तो सरकार ने फरमाया जो इफ्तार कराएगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा। हुजूर आपके करम से उम्मीद है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हुजूर ने कह दिया गुनाह माफ होते, हुजूर हमें यकीन है सगीरा भी माफ होती है और कबीरा भी माफ होते, और उसके करम के आगे सगीरा क्या है और कबीरा क्या है। अगर वो करम करने पे आए वो तो बहुत करीब है, उसके महबूब की शान ये है। एक मैं क्या मेरे मसीहा की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा। वो इशारा कर दे तो 100 लाख बख्शे जाएं, और वो फरमा दे कि रोजे इफ्तार कराने वाले की कि गुना माफ चाहते हो, गुना माफ करवाना, तो जरा दो दो चार चार को घर बुला लिया।
पूरा महीना गम गम गुसारी कर, दोस्तों को बुलाओ बुलाओ खिलाओ। हम सोचते हैं खूब खाएंगे रमजान शरीफ में, खूब खाओ भी खिलाओ भी, इफ्तार की बड़ी बरकतें हैं। फरमाया गुनाह माफ होते, असली गुनाह नहीं बल्कि सुभान अल्लाह उसकी गर्दन को जहन्नम से आजाद कर दिया। बेच रहे हैं जन्नत का हम मफलिस, क्या मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली। अब सहाबा बोल पड़े, खुतबा खत्म हो गया, खुतबा खत्म हो गया, बल्कि इख्तिताम पर आया है, करीबुल खत्म है। फरमाया कि न रोजेदार के सवाब में कमी आएगी, गुनाह माफ भी हो जाएंगे, जहन्नम से आजादी मिलेगी। सहाबा तो लालची थे ना अमल के मामले में, दौलत के नहीं, शोहरत के नहीं, अमल की। उनकी शोहरत तो लामकां तक थी, जिक्र होते थे लामकां पर, मेरे महबूब के यार ऐसे तरा उम्रुक अनसुजदा, उनका जिक्र यूं किया जाता है, माहु अशिद्दाउ अलल कुफार, उनका जिक्र किया जाता है, उनके तस्करे होते, खुदा करता है उनका तस्करा कुरान में, तौरात में, इंजील में। वो नेकियों के लालची थे, हरीज थे, बोल पड़े या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ये ताकत कहां है कि किसी को रोजा इफ्तार कराएं, क्योंकि वो तो पेट पे पत्थर बांधने वाले लोग थे ना। अक्सर साहबा बजाहिर गरीब थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह हमें हर एक में ये ताकत थोड़ी है कि रोजा इफ्तार कराएं। तो मेरे करीम आका ने फरमाया क्या तुमने रोजा इफ्तार कराने का मतलब ये समझा है कि पेट भर के खाना खिला दे? सरकार फरमाते हैं अगर एक खजूर भी खिला दोगे तो यही सवाब मिलेगा, ये खजूर भी खिला दोगे तो यही सवाब मिलेगा, एक घूट दूध पिला दोगे यही सवाब मिलेगा। और उस पर करम क्या किया? फरमाया एक घूट पानी पिला के भी इफ्तार करा दोगे यही सवाब मिलेगा। एक दूसरी हदीस में, इसमें नहीं, दूसरी हदीस में सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये जो पानी पिलाने पे इतना बड़ा सवाब है रोजेदार को इफ्तार के वक्त कि गुनाह माफ हो जाए, जहन्नम से आजादी मिल जाए और फिर रोजेदार के बराबर सवाब मिले, तो ये वहां पर है सवाब जहां पानी नहीं मिलता हो, जहां पे पानी की किल्लत हो, पानी नहीं मिलता हो, वहां पिलाने पे सवाब है। आका फरमाते हैं दरिया के किनारे भी पिलाओगे तो भी यही सवाब मिलेगा, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। हमारे बचपने में हम ये देखते थे कि जब घर में फ्रूट आते थे, उस वक्त मालेगांव बहुत मालदार नहीं था, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर मुझे। अक्सर लोगों की आमदनी 300-350 रुपए हफ्ते होती थी, लूम चलाने वालों को 250-300 रुपए वो लोग कमाते थे, ऐसा हम बचपन में सुनते थे। तो फल फ्रूट आते थे तो घर की औरतें ये करती थी कि एक दो चीरी तरबूज की, एक दो पपीता की, एक दो खजूर, यानी जितना सामान आता था थोड़ा थोड़ा सब प्लेट में रखती थी और छोटे बच्चों को कहती थी बेटा जाओ और मस्जिद में देकर आओ। और जो बेचारे गरीब लोग होते थे और भी निचली सतह के, वो मस्जिद में आ जाते थे, क्योंकि हर आदमी इतना मालदार नहीं था कि वो इतना बोझ उठा सके, तो वो औरतों का सब मौजिन साहब जमा करते थे और भी जो बड़े बूढ़े होते थे, और फिर उसके बाद दस्तरखान लगता था और उसको तकसीम किया जाता था। अब पता नहीं कि वो माहौल रहा कि नहीं रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो माहौल 90% खत्म हो गया है। अब तो घर में जितनी इफ्तारी आती है फ्रिज में रख रख के खुद खाते हैं, इफ्तार का सहरी में खाते हैं, इतना हिर्स है खाने की, इतनी हिर्स है खुदा की कसम, ऐसा लगता है जैसे को हम खुद खाने के लिए पैदा हुए, खिलाना तो ऐसा लगता है कि वो नहीं अल्लाह पर। और याद रखना खुद खाओगे तो बदबू बनेगी, दूसरों को खिलाओगे तो जन्नत में जाने का सबब बनेगा। अगर मुनासिब समझे तो ये इरादा कर लें आज रमजान शरीफ के कितने रोजे होंगे 29 या 30, हर दिन अगर आपने एक बंदे को भी इफ्तार कराई ना तो गोया कि आपने 30 को इफ्तार कराया, बस
थोड़ा सा इस तरह जहन बनाइए, क्योंकि हमें सवाब ज्यादा समेटना है ना, और अगर अल्लाह ने दौलत ज्यादा दी तो पांच पांच को करा दो, और ज्यादा दिए तो दस दस को करा दो, ज्यादा दिए तो बीस बीस को करा दो, पचास पचास को करा दो। अल्लाह ने और नवाजा है तो इतिकाफ के अंदर सौ सौ लोग बैठते हैं, उसमें हिस्सा ले लो ताकि इतने लोगों को एक साथ रोजा इफ्तार कराने का सवाब मिल जाए। एक मशवरा है, मैं चंदा नहीं मांग रहा, एक मशवरा दे रहा हूँ, नेकी पे उभार रहा हूँ, हो सके तो करो, फिर उसकी बरकत साल भर महसूस करोगे।